हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार ये है मॉर्निंग का समय और दक्षा गई है अपनी क्लास। तो यार नैना उठी हुई थी बट बिस्तर से नहीं निकल रही थी, तो मैं उससे बातें भी कर रही थी और मेरा काम भी कर रही थी। तो क्या सबसे पहले मैंने सारे बिस्तर समेटे और सारे अपनी जगह पे रखे। मैं तो बस इससे बिस्तर मैंने ले लिया था तो भी वो नहीं उठ रही थी, तो बस मैं इतना सा करके छोड़ दूंगी। बाकी चीज़ें मेरी जो काम वाली आएगी वो कर लेगी। और कपड़े यार 2 दिन के धुले हुए पड़े हैं, समेट नहीं आ रहा है। तो फिर आज मैं सुबह सबसे पहले वही करूँगी ताकि फिर बड़े नहीं आगे का। तो मैं नैना से बातें कर रही थी और साथ में मेरे कपड़े फोल्ड कर रही थी, और कुछ एक इसमें बिना धुले हुए पड़े थे वो मैं साइड में कर रही थी। तो बस फिर मैं आ गई थी किचन में, और सबसे पहले कि मैंने जूस की तैयारी तो उसके लिए लिया है मैंने वाटरमेलन और एक चुकंदर, क्योंकि आज मेरे पास ज़्यादा फ्रूट्स नहीं थे, बस 2 ही अवेलेबल थे, तो मैं इन्हीं से काम चलाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने वाटरमेलन को काट दिया है और उसके छिलके निकाल के बारीक से चॉप कर दिए हैं, और फिर चुकंदर को भी मैंने छील के बारीक बारीक उसके पीस कर दिए ताकि ना इजीली जूस बन जाएगा। तो बस ये मैं इसमें मिक्सी में ग्राइंड करके जिसका दोनों का जूस निकालूंगी, और जूस हमारा रेडी है। तो उसके बाद की फिर मैंने सब्ज़ी की तैयारी। तो सब्ज़ी आज यार मैं वो जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो डाला था मैंने कि मंगोड़ी बने, उसी की सब्ज़ी मैं आज बनाऊंगी। बस वो सूख गई थी, तो सबसे पहले ना ऑयल डाला और उसके बाद मैंने ना जीरे का और हल्का सा राई का छोंक लगाया। उसके बाद मैंने लहसुन डाला और थोड़ी सी हींग डाल दी, फिर उसको हल्का सा फ्राई करके उसके बाद फिर मैंने डाला मिर्ची और प्याज। तो हल्का सा उनको भी भुना मैंने थोड़ी देर के लिए, और फिर जो सारे सूखे मसाले हैं लाल मिर्ची नमक धनिया पाउडर वो सारी चीज़ें मैंने कटोरी में ली, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको मसाले को गीला किया और फिर उसमें डाल दिया सब्जी में। तो बस इसमें से जब तक अच्छे से पक जाए, तेल ऊपर आ जाए, तब तक अपन को इस मसाले को पकाना है, और फिर उसके बाद अपन इसमें डाल देंगे जो मंगोड़ी बनाई थी वो कूट के, थोड़ा सा उसको बारीक कर लेंगे और फिर डालेंगे उसमें। और बस पास में मैंने गर्म पानी कर दिया था, मैं सब्ज़ी में ज़्यादातर गर्म पानी ही डालती हूँ जो झोल वाली सब्ज़ी बनती है, तो बस वो गर्म पानी मैंने उसमें डाल दिया था और फिर तो उसको ढक्कन देके पका दिया था। बस जल्दी पक गई थी, 2 से 3 मिनट लगे थे और पक गए थे। फिर बस खटा हरा धनिया और डाल दिया उसमें हरी धनिया, तो सब्ज़ी हमारी बन गई थी। फिर उसके बाद मैंने बनाया था भिंडी का रायता, तो उसके लिए मैंने भिंडी को चॉप किया और एक हरी मिर्च ली उसको भी बारीक बारीक काटा, और एक छोटा सा प्याज ला उसको भी बारीक बारीक काटा, और बस फिर तो चढ़ाई कढ़ाई और उसमें डाली मैंने भिंडी। ये मैं इसका जो रायता बनाऊंगी घी में बनाऊंगी, तो थोड़ा सा मैंने घी डाला और फिर जो भिंडी चॉप की थी वो उसमें डाल दी, और फिर थोड़े से उसको ना फ्राई करने के बाद उसमें डालेंगे अपन थोड़े थोड़े सूखे मसाले जिसमें हल्दी मिर्ची और हल्का सा नमक। तो फिर उसको बाहर निकाल दिया और फिर थोड़ा सा घी और डाल के मैंने उसमें जो बारीक की हुई हरी मिर्च और प्याज था वो भी डाल दिया, और उसको भी थोड़ा सा पकने दिया। उसके बाद भिंडी उसके साथ मिला दी और ठंडा होने के लिए बाहर निकाल दिया। बस वो मसाला जब तक ठंडा होगा तब तक अपन बना लेंगे रोटी। तो रोटी मैंने बना ली और फिर मैंने निकाला दही और फिर उसमें वो जो अपन ने भिंडी का मसाला बनाया था वो डाल दिया, और उसके ऊपर मैंने सारे सूखे मसाले डाले जिसमें पिसा हुआ जीरा काला नमक और थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा चाट मसाला। बस तो रायता हो गया हमारा रेडी। तो हरा धनिया अच्छा एकदम फ्रेश आया हुआ था, तो फिर मैं ज़्यादा लेके आ गई थी, और फिर मैं धनिया एक साथ ही लाती हूँ और स्टोर करके रखती हूँ अच्छे से, मेरे हफ्ते भर चल जाता है, 7 से 10 दिन कुछ नहीं होता है। तो बस पहले सारे धनिया को मैंने ना पत्ते जो खराब डंठल थे उनको सबको निकाल दिया, और फिर एक बड़ा सा डिब्बा लिया उसके नीचे अखबार रखा, और ये जो सारा साफ किया हुआ धनिया था बस उसमें डाल के ये अखबार सब लपेट के, मतलब खुला दिखना नहीं चाहिए, तो बस ऐसे करके मैं ये फ्रिज में रख दूंगी, तो ये इजीली चल जाएगा अपने काफ़ी दिन तक और ख़राब नहीं होगा। तो आप धनिया को कैसे स्टोर करते हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। आपके बाद।